आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तैयारियों का महीना है, रात दिन पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। SI CI देखिए कैसा चैप्टर है। जो जितनी भी प्रैक्टिस कर लेना तब भी उसके क्वेश्चन में फंस जाते हैं या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसमें समझ लीजिए आपका 80 से 90% चैप्टर ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं। आप ये ना सोचिएगा कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, बस जो जो चीज़ें मैं हर क्वेश्चन में समझाते जाऊंगा वो तो हर एक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आपका ये 90% चैप्टर तैयार हो जाएगा। और एग्जाम के क्वेश्चन है ये सारे, या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 2017 से लेके अभी तक के जो एग्जाम्स हुए हैं उसी पैटर्न पे बेस्ड हैं 10 क्वेश्चन। जरूर सॉल्व कीजिएगा, इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लोन का क्वेश्चन है ये, यानी कि इंस्टॉलमेंट का। और इंस्टॉलमेंट में बच्चों ने ट्रिक सीखी है या डायरेक्ट फॉर्मूले सीखे हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल हटके है। हो क्या रहा है कि 5,000 का लोन लिया किसी ने, है ना, घर बनाने के लिए। अब वो 5,000 के लोन को 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना है। तो ऐसा होता है ना, जब आप गाड़ी या घर का लोन लेते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे आप EMI अपनी पे करते रहते हो हर साल, वो इंटरेस्ट भी कम प्रिंसिपल पे लगना शुरू होता है। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने इस 5,000 में पहले साल 1,000 रुपये दे दिए, तो अगले साल जो आपका EMI बनेगी ना उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो 4,000 रुपये पे ही लगेगा। इस तरीके से बनता है, उसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। अगर आप ये लॉजिक समझ गए तो आप आराम से कर ले जाएंगे। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है, ये लोन अमाउंट है, और इस पे 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अगर मैं बोलता कि भाई किसी दोस्त से उधार लेते और हर साल 1 EMI पे करते, 1 किश्त पे करते 4 साल तक, तो सिंपली इसको डिवाइड कर देते और मैं बोलता हर साल 1,250 रुपये मैं अपने दोस्त को पे कर देता। बट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो उस वजह से हम लोग ईयर वाइज देखेंगे। फर्स्ट ईयर पे अगर आप देखो तो ये 1,250 रुपये तो आपको वापस देना ही देना है, पर क्योंकि आपने लोन लिया है तो उस पे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये 5,000 पूरा पूरा आपका ब्याज, इस पे ब्याज लगेगा 5% की दर पे, ठीक है? क्योंकि पहले साल पे आपने कुछ भी अमाउंट नहीं दिया, तो जब आपकी EMI बनेगी तो प्रिंसिपल अमाउंट तो उसमें होगा ही है और साथ में जो इंटरेस्ट लग रहा है पूरे अमाउंट पे। बस इतना सा समझने की चीज थी इस क्वेश्चन में। सेकेंड ईयर का अगर मैं देखूं, अगेन 1,250 तो आपका फिक्स हो गया, बट इस बार आप बताइए कितने पे इंटरेस्ट लगेगा। हमें इस अमाउंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, बट प्रिंसिपल में 1,250 कम हो गया तो 2,750 पे अब इंटरेस्ट बचेगा। थर्ड ईयर का आप देख लो, 1,250, और इस बार कितना बच जाएगा? 1,250 और कम कर दो इसमें, 2,500। बस इतना सा क्वेश्चन था, बाकी आपकी कैलकुलेशन है वो भी करते हैं। लास्ट ईयर में 1,250 रुपये बचा है आपका लास्ट, उस पे 5% लग जाएगा। अब अगर इसको मैं जोड़ता चला जाऊं तो फर्स्ट ईयर पे कितना हो गया ये? 250, यानी कि 1,500 रुपये। ऐसे ही सेकेंड ईयर में देखिए यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 जीरो गया और यहाँ से 2 बचा, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 187.5, 150 जोड़ दें तो 1,400, तो 1,437.5। ऐसे ही थर्ड ईयर में हमें मिल जाएगा पूरा पूरा 125 रुपये लगा, यानी कि 1,375। फोर्थ ईयर में अगेन अगर आप देखें तो डेसिमल में मिलेगा 62.5,
यानी कि ये कितना हो जाएगा 1312.5। आपको पूछ क्या रहा है, पहली दो इंस्टॉलमेंट और लास्ट दो इंस्टॉलमेंट का रेशियो बताइए। सिंपल है, अभी इसको ऐड कर लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 2937 और ये कितना हो जाएगा 2687। इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है और जब आप रेशियो निकालेंगे, ये पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको ऑप्शन ए 47:43 ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पहले क्वेश्चन को कर दिया रफा दफा। आई होप मैं बहुत धीरे लेके चलूंगा ये सेशन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और ये 10 क्वेश्चन आपको करने में मजे आएंगे। अब इसको देख लीजिए, एक सम है जो 7200 बन गया 2 साल में और 24300 बन गया 5 साल में, आपको सम बताना है। मान लीजिए ये प्रिंसिपल था मेरा, अगर मैं बोलूं कि 10% यहाँ पे हमें रेट नहीं दिया है, बट एक एग्जांपल लेके देखूं, तो फर्स्ट ईयर में इस पे 10% का अगर ब्याज है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना 1+R/100, तो यहाँ पे 10 डालेंगे तो 110/100 यानी कि 1.1 इंटू 1.1 करेंगे तो हमें अमाउंट मिल गया आफ्टर 1 ईयर, अगेन इंटू 1.1 कर देंगे आफ्टर 2 ईयर और इस तरीके से चलता जाता है। हमें यही चीज इन दोनों से ढूंढनी है। अगर मैं मान लूं 7200 2 साल बाद अमाउंट हो गया, तो इसके बाद थर्ड ईयर आएगा, फिर फोर्थ ईयर आएगा और फिर फाइनली फिफ्थ ईयर आएगा और ये बन गया 24300। अब अगर मैं यहां से इन दोनों का रेशियो ले लूं 24300/7200, तो मुझे ये पता चल जाएगा किस फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। 9 से जाएगा 8 बार, 27/8 आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बार सेम चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रेट सेम है तो 1.1 तो 3 साल हो रहा है, तो जो भी यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उसे आर मान लूँ तो आर क्यूब हो रहा है 7200 × r³, फिर आपको 24300 मिल रहा है। तो अगर मैं क्यूब के टर्म्स में इसे लिखूं तो क्या हो रहा है, 3/2³, यानी कि मैं बोल सकता हूं × 3/2 × 3/2 × 3/2 हो रहा है, तभी ये अमाउंट जाके इतना बन रहा है, हमने रेशियो निकाल के देख लिया। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही, ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, फिर मैं सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। P1+R/100² = 7200 है, यहां से रेशियो ले लीजिए तो भी वही बात पड़ेगी, ये कटेगा और ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगेन मैं वही चीज कर रहा हूं बस, तो इसी को मैंने आपको थोड़ा लॉजिकल वे में समझा दिया। ऐसे भी आप करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा और फिर वहां से आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे प्रिंसिपल अमाउंट अब हम निकालेंगे, अगर सेकेंड ईयर के बाद फिफ्थ ईयर तक 3/2 लग रहा है, तो पहले भी 3/2 लगा होगा 2 बार फर्स्ट ईयर से लेके, यानी कि प्रिंसिपल × 3/2 × 3/2 ये वैल्यू होगी 7200। ये 9 है यहां से काटेंगे तो ये 800 हुआ और नीचे 4 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1 चीज मैं बता दूं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फॉलो जरूर करें आप, क्योंकि यूट्यूब वीडियो रिकमेंड ही नहीं कर रहा है मेरा, कहीं पे भी अगर आप सर्च करो तो जल्दी शो नहीं होता, क्योंकि काफी कम व्यूज होते हैं इस पे और मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है। मैं अपने जॉब से टाइम जो भी होता है वो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं काफी टाइम इसमें इन्वेस्ट करके आपके लिए जेन्युइन क्वेश्चंस लेके आता हूँ कि कोई भी बच्चा वीडियो देखे तो उसका फायदा जरूर हो, एग्जाम में उसकी हेल्प जरूर कर पाऊँ मैं। और टेलीग्राम पे मैं PDFs अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा एक
मैथ स्टडी ग्रुप भी है जहाँ पे आप मैथ्स के क्वेश्चन आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये और आपको करने में मजा आ जाएगा। जो बच्चे ट्रिक्स के पीछे भागते हैं वो फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है। एक सम है जो अमाउंट में कन्वर्ट होता है, इस अमाउंट में 14,395.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ये और इयर्स दिए हुए हैं ये। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, PRT/100। इसमें अगर मैं प्रिंसिपल जोड़ दूं तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा जो कि हो गया 14,395.2। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट ये वो बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। देखिए प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट है 9.25 इंटू ईयर्स 5.4/100। ये हमारी क्वेश्चन हो गई, पहले हमें यहां से प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं ना। तो यहां से अगर मैं जीरोस हटा लूं इस तरीके से, ये 37 हो गया, मैं 25 से कर रहा हूं, सत्ताईस इंटू 37 ये कैसे करोगे आप? देखिए किसी भी 20 से बड़ी जो टेबल है ना उसमें इंटू 5 जरूर याद रखा कीजिए, ये तो सबको आसानी से याद हो सकता है, 135 है। अब 27 इंटू 7 करना है पहले, तो आप इसमें 54 और जोड़ दीजिए तो 189 आ जाएगा, 18 की कैरी आई। और 27 इंटू 3 थोड़ा इजी है, 81 और 18 999/2000। पी कॉमन ले लें प्लस 1। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें आपको पता चल जाए अगर कोई चीजें छूट रही हैं। और कैलकुलेशन सबको पता है, आजकल कैलकुलेशन ज्यादा टफ आ रही है बजाय के कॉन्सेप्ट के। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है बट कैलकुलेशन काफी अच्छी है। अब देखिए यहां पे अगर मैं एक 10 ले लेता हूं, ये करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पे 3,000 होता तो बात समझ में आती, यहाँ 2,999 है, यहाँ हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है किससे जाएगा ना, 11 से जा रहा है, 7 से जा रहा है ये, तो 7 से करके देख ले, 7 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है 7 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, अब हम लोग कब तक ये सर्च करेंगे, 13 से भी नहीं जा रहा, 15 से भी नहीं जा रहा, डायरेक्ट किए, ठीक है डायरेक्ट किया हमने, क्योंकि 3,000 × 5 15,000 होता है, तो यहां पे 5 टाइम्स तो नहीं आ सकता ये, तो ये कितना आएगा 4 टाइम्स। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 36 11,996, और अगर ये × 5 मैं करता तो देखिए कितना आ रहा है, 45 49 49 14,995, तो ये 4 टाइम्स गया। अब लास्ट डिजिट देखिए 9,872 होता है, तो अगर आप यहां से अनुमान से भी चलें लास्ट डिजिट से, यहाँ 48 आएगा, बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं ये 48 आएगा, और 48 × 200 ये हमारा प्रिंसिपल आ गया 9,600। यानी कि क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट ना होने के बावजूद ये क्वेश्चन देखिए कितना लंबा खींच गया। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। 9,600 हमारा प्रिंसिपल आ गया, अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कुछ लोग कैलकुलेशन छोड़ देते हैं कि यार कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट SSC कैलकुलेशन पे ही तो फोकस करती है, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रही आजकल, कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, तो इसको जरूर कीजिएगा। 9,600 आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमसे पूछ रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे 1 साल और 16% इंटरेस्ट है, जब भी हाफ ईयरली होगा यानी कि 6 मंथली हो गया तो हम क्या करेंगे, टाइम हो जाएगा डबल, तो 1 साल से 2 साल, और रेट हो जाएगा आधा 8%। अगर कुछ और मंथली भी हो तो आपको डायरेक्ट डिवाइड बाई 12 करना है और उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 6 मंथली हो गया हाफ ईयरली तो यहाँ फैक्टर आ गया 6/12 1/2, 4 मंथली होता तो 4/12, 5 मंथली तो 5/12,
और आपको करना क्या है, इसका रिवर्स टाइम से मल्टीप्लाई करना है और इसको डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा होता है। यानी कि टाइम बढ़ेगा हमेशा और रेट हमेशा घटेगा, ठीक है, बस इसका ध्यान रखिए कि टाइम बढ़ेगा और रेट घटेगा, ठीक है। आपको ये पता चल गया, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले से तो सब कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। 9600 है, 8% रेट है 2 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपको क्या करना है, 8% पहले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर होता दोनों साल पे तो कितना लगता, 8% दोनों साल पे मिलता, तो 8% हो जाएगा 96 × 8, 48,768, और 768 आपको सेकेंड ईयर भी मिलता और हर साल मिलता अगर SI होता, बट क्योंकि CI है तो जो पहले का इंटरेस्ट है, जो भी मतलब इस ईयर का करेंट ईयर से पहले जो भी इंटरेस्ट है उस पर भी 8% आपको मिलेगा, तो ये 768 का 8% आपको मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 64, 48, 56, 56, 61। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, लास्ट डिजिट से ऑलरेडी आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन बी आंसर है, बट हम लोग करके देख लेते हैं, 700, 700, 1400 और 60, 60, 120, 1520 और 16, 1536 और 61, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। यह वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कराने वाला हूं। जब भी आपको 2 साल या 3 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, तो फॉर्मूला मैं बता देता हूं, 2 साल का होता है PR/100 का स्क्वायर, आर रेट हो गया, डी डिफरेंस हो गया, या अगर 3 ईयर्स का है तो यही डिफरेंस क्या हो जाता है, इतना फॉर्मूला सेम चलेगा और साथ में आ जाता है बस 300 + R/100 का फैक्टर एक ऐड हो जाता है। ये केवल 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ही है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सेकंड ईयर से शुरू होता है, तो 2 सालों का अगर दो ईयर या तीन ईयर इसका आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। तो हमको ये वाला यूज करना है क्योंकि 3 साल का डिफरेंस है 432 का, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट है 20%, तो 1/5 × 1/5 और ये कितना हो जाएगा 320/100, यानी कि 32/10, यानी कि 16/5, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 432 × 5 × 5 × 5 अपॉन, यहां से सॉल्व कीजिए तो ये 2 बार गया 11, यानी कि 7 बार। अब यहां से देखिए आपको 2 ऑप्शन केवल ऐसे हैं जो लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ लास्ट डिजिट 5 भी आएगा तो आपको यहाँ पे लास्ट डिजिट से आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 135 × 25, ये कितना हो गया 125, 75, 87। अब ये लास्ट 2 डिजिट तो आपको मिल गए, तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए, टाइम बचेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा कुछ बातें कर लेते हैं। SSC CGL 2020 का रिजल्ट आ गया फाइनल, और मैंने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो 2 ही दिन बाद इस बार प्रेफरेंस फॉर्म दे दिया। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि प्रेफरेंस कैसे भरना है स्टेट्स की, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उनका ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो डाल दूंगा, है ना, सिंपल सा 5-10 मिनट का जो भी वीडियो होगा छोटा सा वो डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपके आगे का सिनेरियो क्या रहने वाला है। और मैं इस समय एज एन इंस्पेक्टर पोस्टल डिपार्टमेंट में हूँ, तो उसका मुझे बहुत मतलब उसका तो है ही है, और साथ में ऑल डिपार्टमेंट्स का भी धीरे धीरे मुझे नॉलेज हो गया है, तो मैं अपनी तरफ से जो भी इनपुट है वो आपको दे दूंगा, ताकि आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप उस हिसाब से भर पाए अपना प्रेफरेंस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है सर्टेन रेट पे, एक सम है जो डबल हो रहा है 3 साल, एक सम है जो डबल हो रहा है 3 साल। अब ये पूछ रहा है कितने टाइम में वो 128 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ बनेगा, यानी कि मान लेते हैं 100 रुपए है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर,
यहाँ पे जाके ये डबल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 100 का वो 200 हो जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि 100 का 128 टाइम्स, यानी कि ये 12,800 कितने सालों में हो जाए, यही 100 रुपये है इसी रेट से। तो ये हम कैसे करेंगे, बताइए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हमें पता होगा ना कि जब 100 से 200 में 3 साल लग रहे हैं, तो ऐसे ही 200 से 400 में 3 साल लगेंगे, 400 से 800 में 3 साल लगेंगे, 800 से 1600 में 3 साल लगेंगे। मैं आपको लॉजिक पहले बता देता हूं, ये है सिंपल सा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कितने साल लग गए, छः, तीन, तीन तो पहले ही लग गए थे, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये आपका आंसर हो गया। आपको लॉजिक समझाना बहुत जरूरी है ट्रिक से पहले, क्योंकि अगर मैंने ट्रिक डायरेक्ट बता दी बाकी सबकी तरह, तो फिर एग्जाम में एप्लीकेशन में दिक्कत आएगी। अगर ये चीज आपको याद है तो ये तो आपको हमेशा भी याद रहेगी, गारंटीड है, क्योंकि आपको लॉजिक पता चल गया क्वेश्चन का। अब देखिए यही चीज है, बट सिंपल सा क्या करना है, 3 साल में अगर डबल हो रहा है, 3 साल में डबल हो रहा है, तो आपको बस सिंपल सा क्या करना है, 128 को 2 के पावर में देखना है, तो ये 2 की पावर 7 होता है, 2 की पावर 7 हो रहा है, और 2 की पावर 1 को देखते हैं, इनको हमें कंपेयर करना है टाइम के साथ। अगर ये चीज मेरी 3 साल में हो रही है, तो यहां पे आपको बस जो भी पावर आ रही है ये बेस सेम होना चाहिए, यहां डबल हो रहा है तो यहां पे भी डबल की बस पावर चेंज हो रही है, ये 128 टाइम्स है, तो ये जो पावर आ रही है इसको आपको ये इनिशियल टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये चीज केवल मैं ये डायरेक्टली बता के हट जाता तो आप पूरे कंफ्यूज होते और आप हर जगह सर्च करते कि ये कैसे हो गया, बट अब आपको लॉजिक भी पता है और ये भी पता है, तो आराम से आप कर सकते हो क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सीजीएल 2021 में ही पूछा गया है ना, और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इसे जल्दी से जल्दी। 66,300 का अमाउंट है, ए और बी में उसे बांटा जाता है, तो एक को क्या मान लें, एक को एक्स मान लेते हैं, तो इसको कितना मिल गया, 66,300 माइनस एक्स। इस अमाउंट को इन दोनों में इस तरीके से बांटा गया कि इसने 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 10 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है ना, और दोनों का रेट भी सेम है 10% का। और हुआ क्या, इन दोनों को मिल सेम अमाउंट रहा है, आफ्टर जितने भी साल हो गए इन लोगों को अमाउंट सेम मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं कोई ट्रिक यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से, जब कोई भी अमाउंट चाहे एसआई का क्वेश्चन हो चाहे सीआई का क्वेश्चन हो, आपको बस इस तरीके से ही करना है हमेशा। अमाउंट जो भी है, सम जो भी है, उसको एक्स और जो भी अमाउंट है उसको माइनस एक्स इस तरीके से बांट लीजिए। अब देखिए कितना सिंपल है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की रेट पे लग रहा है, यानी कि 1.1 की पावर 8, 1+R/100 को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, 1.1 की पावर 8, और मैं बोल सकता हूँ इज इक्वल टू 66, 1.1 की पावर 10, ये 10 साल के लिए लग रहा है, यहाँ से ये इससे कट जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा केवल, है ना, जब ये यहाँ जाएगा तो कट जाएगा, बस इतना सा आपको करना था। अब यहाँ पे आपको ये इधर ले आए अगर, तो 10/11 × 10/11 ये बन गया इज इक्वल टू 66,300 माइनस एक्स, 100x/121 + x, ये क्या हो जाएगा, 221x/121 इज इक्वल टू 66,300, और ये देखते ही लग रहा है कि ये 3 से जाएगा, और यहाँ से हमारा अमाउंट 1 निकल के आ गया, x की वैल्यू जो a के पास था, ये क्या आ गया 121 × 300, यानी कि 0,03, 36,300, और ए का अमाउंट जो है वो
एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन में ऐसा है 36,300, तो ये डायरेक्टली आप बता सकते हो, ये मेरा आंसर ठीक है। ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बट मेरा इस क्वेश्चन को डालने का मोटिव बस ये था कि ट्रिक से अच्छा आप इससे कीजिए, हार्डली 30 सेकेंड्स के अंदर आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में आपकी काफी चीजें हल हो जाएंगी, और इसको जरूर अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। एक बंदा है ठीक है, रियलिस्टिक क्वेश्चन है एकदम ये। एक बंदा है, उसने क्या किया, उसके पास मान लीजिए एक्स रुपीज थे, उस एक्स को उसने 3 भाग में बांट दिया और हर साल उतना रुपए उसने जमा कराया, यानी कि फर्स्ट ईयर x/3 कराया, सेकेंड ईयर x/3 किया, थर्ड ईयर x/3 किया, और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था 12.5% की दर का, यानी कि इस तरीके से अमाउंट ऐड करता गया, सम ऐड करता गया और 12.5% की रेट से जो भी बन रहा है वो इसको मिल रहा है, और एंड में इसे कितना मिल गया, 97,650 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये क्या करता, ये इसको हर साल डिपॉजिट जमा कराने के बजाय ये पहले ही साल में पूरा का पूरा एक्स अमाउंट लगा के छोड़ देता, बाकी सारी कंडीशन सेम है, 12.5% की दर पे 3 साल के लिए, तो ये बताइए कि इसे कितना अमाउंट मिलता और वो अमाउंट इससे कितना ज्यादा होता 97,650 से। अब सोच लो आप इस क्वेश्चन में आप कैसे ट्रिक लगाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। अब हमें केवल इसके लिए क्या करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अगर प्रिंसिपल हमसे फाइंड आउट हो गया तो कुछ भी नहीं है। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, अभी तक आपको जान जाना चाहिए अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है, इस टाइप को हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन के जरिए यूज करेंगे, और जब भी बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा तो सम से अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ आएगा, तो इसको हम लोग मानते हैं 9/8, यानी कि जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो ऐड करके ऊपर लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि अगर मेरा 8,000 का सम होता उस पे मैं 12.5% की दर पे रखता 1 साल के लिए, तो वो 8,000 का क्या हो जाता, 9,000 अमाउंट बन जाता है ना, ये चीज है। तो हमने एक्स मान लिया, एक्स इंटू हमने टोटल प्रिंसिपल अपना 3x मान लिया ठीक है, x/3 की जगह 3x मान लेते हैं, तो एक्स इंटू 9/8 पहले साल के बाद अमाउंट हुआ ठीक है, ये अमाउंट की बात मैं कर रहा हूं डायरेक्टली। फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ कि ये अमाउंट तो जमा है ही, उसने निकाला तो है नहीं, तो ये 9x/8 सेकेंड ईयर में ऑलरेडी एज अ प्रिंसिपल आ गया, प्लस सेकेंड ईयर अगेन उसने इसमें से एक तिहाई ऐड किया, यानी कि एक्स ऐड किया, तो सेकेंड ईयर पे अगेन इस पे 9/8 का फैक्टर लगाएंगे तो अमाउंट बनेगा, तो इस बार ये कितना हो जाएगा, 17x/8 और इंटू 9, 17x/8 इंटू 9/8, यानी कि 153x/64, बात समझ में आ रही है, यानी कि 8,000 का जो 9,000 बना था वो 9,000 तो उसने निकाले नहीं, उसने तो 3 साल बाद पैसे निकाले, तो वो 9,000 इसने वापस इसमें रख दिए और वो 8,000 वापस इसने अलग से जमा कराए, और दोनों का इस बार क्योंकि ये भी उसी बैंक अकाउंट में पड़ा है और ये भी पड़ा है, तो दोनों पे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हमने। अब थर्ड ईयर पे जो आपका ये अमाउंट बना दोनों सालों का मिला के इंटरेस्ट लगाने के बाद वो तो आएगा, और साथ में जो एक्स है इसका एक तिहाई हिस्सा वो फिर आ गया, और इस पे अगेन 9/8 का अमाउंट लगेगा, तो इस बार क्या हो जाएगा, 213 217 x/64 इंटू 9/8, और इस बार देखिए लास्ट ईयर है तो इस पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फाइनल अमाउंट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग डायरेक्टली इससे कंपेयर कर लेंगे। अब हम यहां से काट दे रहे हैं 10850, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10850 इंटू 512 हो गया, ये 64 इंटू 8, 8 का क्यूब अपॉन 217। अगर आप ध्यान से देखें मैं इंटू 5 टाइम्स करूं इसे डायरेक्टली, क्योंकि 200 इंटू 5,000 होता है, 17 इंटू 5 85 होता है, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इंटू 100/2 50 की जगह इसको काट दूं अगर, यानी कि ये अमाउंट कितना हो गया, 25,600। अब इसको मैं हटा दूं,
एक्स की वैल्यू आ गई 25,600, तो 3x हमारा अमाउंट था, प्रिंसिपल था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 76,800। 76,800 प्रिंसिपल था जिसे इस तरीके से इसने इन्वेस्ट किया, 25,600 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो इसको मिला 97,650। अब अगर ये बोल रहा है कि यही 76,800 अगर मैं पहले साल में डिपॉजिट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे अमाउंट का मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, इस बार 9/8 9/8 9/8 कर दूंगा। ये होता है ना P1 + 12.5 / 2100, जो लोग नहीं समझ पा रहे अभी भी ये करेंगे, तो ये जो पूरा टर्म है ये 9/8 के बराबर आएगा, उसी का क्यूब कर दिया मैंने। तो अब यहां से इसको काट लेते हैं तो ये आ रहा है 9600, अगेन कर लेते हैं तो आ जाएगा 1200, अगेन कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 150 × 729 9 का क्यूब 135, 13 आया तो 43 109, ये मेरा पूरा अमाउंट बना। अब मुझसे देखिए ऑप्शन ए में भी है, इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद बच्चा सोचता है आ तो गया आंसर और टिक कर दो आगे, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इतनी मेहनत के बाद आपने कोई भी केयरलेसनेस की तो आपका पूरा 2.5 मार्क जाएगा, और आप जबकि सारा कुछ सही कर रहे हैं, अभी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पूछ रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट, तो इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1100 जो कि हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 7 क्वेश्चन पूरे हो गए, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन में एक से एक चीजें पता चल रही होंगी, नई भी और अगर पुरानी भी हैं तो भी आपको मजे आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स जानने में। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताइए, अगर इसी सब कुछ सेम कंडीशन पे एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है और एक बार क्वार्टरली। हाफ ईयरली मतलब 6/12, क्वार्टरली मतलब, क्वार्टर कितने का होता है, 3 महीने का, 3/4 12, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1/2 का फैक्टर और 1/4 का फैक्टर। और अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले बताया था आपको क्वेश्चन 2 या 3 में कि इसको बस आपको क्या करना है, टाइम आपका डबल हो जाएगा, यहाँ पे टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मेरा हाफ ईयरली का केस देखें, अब मैं इसको शुरुआत से करता हूँ, हाफ ईयरली का केस देखें तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 1 साल है तो टाइम डबल होके 2 ईयर हो गया, और रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 10%। ऐसे ही जब मैं क्वार्टरली का देखूंगा तो टाइम इस बार क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स यानी कि 4 ईयर्स, और रेट 4 का डिवीजन करेंगे तो 5%। अब नॉर्मल हम लोग जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, 40,000 का हमारा सम है। अब मैं आपको इंटरेस्ट हमें बताना है, केवल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का निकाल लूंगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10% की दर पे कितना आ जाएगा, 4,000, सेकेंड ईयर भी 4,000, बट सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट भी जुड़ेगा 10%, जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा 400, टोटल कितना हो गया 8,000 और 8,400 8,400। ये तो इजी था, अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसमें भी हमें सेम स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लिए, कहीं कहीं इफेक्टिव भी निकालते ना, बच्चे सोचेंगे 10% है 2 साल है डायरेक्ट 21% कर दो, तो बात वही है, बट यहाँ पे आप कैसे करोगे, 4 साल बहुत लंबा चौड़ा डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी और टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, 4 साल से ज्यादा का क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, मैक्सिमम 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का ही पूछा जाता है, तो मैंने मैक्सिमम ले लिया ताकि आपको एग्जाम से 10% ऊपर तो हमें रहना ही चाहिए, है ना। पहले साल देखिए अमाउंट 40,000 है या प्रिंसिपल 40,000 है, तो पहले साल 5%, 10% होता 4,000 तो 5% कितना होगा, 2,000। ये अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो हर साल 2,000 2,000 2,000 2,000 मिलते रहते, ठीक है। अब बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या करना है, जो भी फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगा, इतना ही रहेगा, सेकंड ईयर से जो भी पिछला इंटरेस्ट है वो उसका 5% आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले 2,000 है तो इसका 5% देख लो, 10% देख लो 200 तो 5% हो जाएगा 100। अब ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, इसके पहले का इंटरेस्ट कितना है, 2,000 2,000 4,000 और 4,100 4,100 का 10% कितना होता, 410 तो 5% कितना हो जाएगा, 205।
अब फोर्थ ईयर में भी आपको क्या करना है, जितना भी पहले का इंटरेस्ट है यानी कि 6305 का, 6305 का 5%। अब इस बार क्योंकि डेसिमल में आएगा तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, 0.25 315.25। इसका और भी तरीका होता है बट इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये दिखाया कि जो भी बस पिछले ईयर तक का इंटरेस्ट है टोटल उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो अलग से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 2 2 2 8000 ये हो गया 100 और 200, 8305, और इसमें 8305 में अगर 315 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8620.25, और पहला था 8400, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 220.25। ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इसे खुद से आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं वो भी एकदम डिफरेंट है तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंस्टॉलमेंट का है, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बट फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। देखिए मुझे जो तरीका सही लगता है जो आपको अप्लाई करना चाहिए एग्जाम में मैं वो तरीका बताऊंगा, तरीके बहुत सारे हैं किसी भी क्वेश्चन के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थमेटिक के चैप्टर में यही है कि किस तरीके को आपको किस क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है ना, द मेथड विच यू फॉलो फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये समझ गया, और ये आएगा भी तभी जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये करें वो करें, यूट्यूब पे ये भी देखा था वो भी देखा था, 5 सेकंड में भी होता है क्वेश्चन, लास्ट डिजिट भी होता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन में जब सिंपल आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पी इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बता रहा हूं, और इस तरीके से फॉर्मूला आगे बढ़ता रहता है। ये मैक्सिमम 2 साल या 3 साल के लिए पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, आपको कंफर्मेशन है मेरी आपके लिए। और इसमें देखिए आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे तो दोनों साल की इंस्टॉलमेंट आपको दी है 44 से 100 फिक्स, बट अगर ये इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी होती कि लिखा होता पहले साल की 5000 है दूसरे साल की 4000 है तो भी आप यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, इसलिए मैंने I1 और I2 करके लिखा है ना। तो ये फॉर्मूला सबसे सिंपल है, इसमें एक अननोन हर बार आपको देगा, यहाँ पे जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट कितना पे किया ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। रेट हमें पता है और इंस्टॉलमेंट वैल्यू भी हमें पता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 44 100 और नीचे क्या आ जाएगा, 5% है तो 105/100 आएगा यानी कि 21/20 आएगा। अब जब आप इसे अच्छे खासी 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डायरेक्टली आपको ये वाला स्टेप 5 सेकंड के अंदर ही आप आ जाओगे इस वाले स्टेप पे। जब इसको रिवर्स करेंगे और इसको कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 20/21 बचेगा, ये वाला स्टेप है ना। जब आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप इस पे डायरेक्टली आ जाओगे, है ना, फिर पहले के स्टेप में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। ये आ गया 21 का स्क्वायर 441 होता है हमें पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो फिर 21 का स्क्वायर तो यार पता होना चाहिए, 41 2 82 82,000 आ गया। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया जिसपे हमने दो इंस्टॉलमेंट्स पे की 44,100 की, टोटल हमने कितना पे किया 88,200, और प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन लिया होगा हमने वो लिया था 82,000 का, तो यानी कि 6,200 रुपए का हमें इंटरेस्ट पड़ा, ब्याज पड़ा, ये आंसर आ गया। अगर आप इसको रिवर्स तरीके से लेके चलो कि भाई 82,000 का लोन था और उस पे इतने परसेंट की लग रही है रेट, 5% का ब्याज लग रहा है और आपसे पूछता है इंस्टॉलमेंट बताओ, तो भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, या आपको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया सिंपली डिवाइड बाई 2 करो जितनी इंस्टॉलमेंट है, ये आ गया 41,000, और इसमें ऐड कर लो, बट यहाँ पे आपको क्योंकि दिया है इक्वल इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता कि हर साल का इंस्टॉलमेंट अलग अलग है ब्याज दर के हिसाब से तो आप यहाँ पे वो जो क्वेश्चन 1 में मैंने मेथड बताई वो आप यूज करोगे, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ये चीज ध्यान रखिएगा। ये इक्वल इंस्टॉलमेंट पे जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पे किया, और वो इंस्टॉलमेंट अलग टाइप का है जिसमें हर साल
जो इंस्टॉलमेंट है वो चेंज हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ईएमआई पे कर रहे हैं। ये चीज मैं फिर से बता दूं, जो लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं उन सभी को, उन सभी मेधावियों को कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका मतलब, क्योंकि मैं सेशन अपने इतने ज्यादा सीरियस रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जो बच्चा सीरियस है वही लास्ट तक पहुंच रहा है मेरे वीडियोस के, तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तैयारी सीरियस है और मैं चाहता हूँ सीरियस बच्चे मेरे वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएं और कुछ उनसे सीख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए जिसमें हमारा ईयर्स कुछ इस फॉर्म में होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है, उसको कैसे करें, क्योंकि जो बुकिश तरीके दिए हुए हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अमाउंट हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 15,131.05, 10% का इंटरेस्ट है और ईयर है 2 1/4। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए हमने यहाँ पे 10,000 मान लिया अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को। अब फर्स्ट ईयर जब इस टाइप का फ्रैक्शन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सेम रहेगा 10%, सेकेंड ईयर में 10%, जिस ईयर में फ्रैक्शन में है जैसे थर्ड ईयर में 1/4 यानी कि एक क्वार्टर तक ही लगा, उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट देख लेंगे, वो क्या हो जाएगा 10 × उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 2.5%। बात समझ में आ रही है? या एक और तरीका है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आप जोड़िए टोटल और उसका 1/4 कर दीजिए। कैसे? अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, अगर मैंने 10% के दर पे लगाया तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,000, और ये मैंने बताया था कि ये तीनों साल के लिए हो जाएगा आपके, क्योंकि SICI में यही होता, बट क्योंकि CI है तो पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट है उस पर भी 10% मिलेगा, तो 100 रुपए ये हो गए, और थर्ड ईयर में जो पिछले साल तक का टोटल है 2100, उसका 10% यानी कि 210। और अभी आपका क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, बस जो लास्ट ईयर जिस ईयर फ्रैक्शन है इसका टोटल कितना हो गया 1210, उसका कर लीजिए 1/4, जो भी फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 302.5, और ये कितना हो गया 2,402.5। अगर मेरा अमाउंट 10,000 होता, सम 10,000 होता, तो मुझे इंटरेस्ट कितना होता इस हिसाब से, इसी सेम कंडीशन पे 2,402, और अमाउंट कितना होता 12,402.5। बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में अमाउंट ये है मेरा, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबके आगे एक्स लगा दीजिए, यहाँ एक्स लगा दीजिए तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा और यहाँ भी एक्स आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि सारी कंडीशन मैंने कर ली और 12, मैं बोल सकता हूँ ये अमाउंट है मेरा, तो 12,402.5x की वैल्यू है 15,131.05, और मुझे सम बताना है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15,131/10, और मुझे 10,000x की वैल्यू बतानी है क्योंकि ये मैंने सम लिया हुआ है, इंटू 10,000 कर दी। मैंने 3-4 अलग अलग मेथड हर क्वेश्चन में आपको बता दी, सारे क्वेश्चन मिला के मेरा कहने का मतलब है। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा आपका सम। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1000 है तो ये 40 आया, पहले तो 25 से ही कर लेते हैं, 4961। अब अगर ध्यान से देखें, 7 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, बट 11 से जा रहा है, तो 11 से करके देखा। मैं यहाँ अलग पेन यूज कर लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ये हो गया 11 से 4 बार, 5 बार, 1 बार, अगेन ये 11 से जाएगा 1 बार, 3 बार, 7 बार, 61, 5 बार, 5 बार, 5 बार, अगेन हम करेंगे 11 से तो ये 41, अगेन ये करेंगे, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 12505। अब 41 से डायरेक्ट करना है तो 41 से ये 3 बार जाएगा 123, 20 आया 0 और 5, तो 305 × 40, ये मेरा आ गया प्रिंसिपल। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेटिव डाले हुए हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा।
केवल ट्रिक समझने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लीस्ट ट्रिक्स यूज की हैं, और ट्रिक्स जहाँ पे यूज की भी हैं वो वैसी की हैं जो 100% एक स्टूडेंट अप्लाई कर सके अपने एग्जाम में, तभी आपका फायदा है। वरना आप चाहे जितनी ट्रिक्स देख लीजिए, वो आपके अगर काम नहीं आ सकी तो वो पूरा का पूरा टाइम आपने वेस्ट कर दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा जो एंड तक इस वीडियो में बने हुए हैं, कि कल एक वीडियो मैं निकालूंगा जिसमें मैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में दो तीन चीजें बताऊंगा, और उसके अलावा इस समय मैं मॉक पेपर्स डाल रहा हूँ, दो मॉक पेपर्स ऑलरेडी डल चुके हैं, उसके 25 क्वेश्चन जो अलग अलग चैप्टर्स के हैं वो जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए, आप सबका बेहद शुक्रिया और आप सबको ऑल द बेस्ट।